हेलो वेलकम टू दिस चैनल आज हम लोग बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर थ्री पढ़ने वाले हैं जो कि आखिरी लेक्चर होगा आपका केमिकल बॉन्डिंग का इस लेक्चर में आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं कोऑर्डिनेट और डाटि बॉन्ड से लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि जो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग पहले उसे जाके देखें अगर आपने नहीं देखा तो और फिर ही इसी लेक्चर पे प्रोसीड करें ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है अब तक हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा अब जो ये दो बॉन्डिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी ये इन डिटेल नहीं थी इन डिटेल आज भी पढ़ाऊंगी ठीक है लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है उससे पहले मैं आपको आयनिक और कोवेलेंट का हल्का हल्का बेसिक फंडा बता देती हूँ ठीक है आयनिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या तो एक एक एटम आपका लूज यानी खो देता है और दूसरा गेन यानी पा लेता है ठीक है और आपका कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि दोनों ही एटम्स एक दूसरे से अच्छी खासी ई बॉन्डिंग में होते हैं और शेयरिंग होती है शेयरिंग यानी जितना तू मुझे देगा उतना ही मैं तुझसे लूंगा दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग और जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं ये क्या कहती है ये कहती है कि आपका ए और बी दो एटम्स हैं इनमें से एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा मतलब ये कि इन दोनों में से एक एटम ऐसा होगा जो दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा यानी पार्टिसिपेट करवाएगा और दूसरे के साथ शेयर भी करेगा मतलब ये कि अगर आपके पास जो ए है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कॉन्ट्रीब्यूशन में देगा क्या देगा कॉन्ट्रीब्यूशन में देगा बॉन्ड बनाने के लिए और यहां लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिर्फ ए से आएंगे और शेयर इन दोनों में होंगे यानी ये कि कंट्रीब्यूशन एक का है पार्टी हो रही है एक ठीक है और हम लोग क्या करते हैं हम दोस्तों में एक दस रुपए देगा दूसरा भी दस देगा दूसरा तीसरा दस देगा लेकिन यहाँ क्या हो रहा है यहाँ बर्थडे पार्टी हो रही है जिसका बर्थडे है वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है यानी सौ के सौ रुपए वो मिला रहा है बाकी सब शेयरिंग कर रहे हैं मतलब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पार्टी सबकी नहीं है यहाँ पार्टी कोई अपने बर्थडे की दे रहा है वो कह रहा है कि मैं अब अगर आपके ग्रुप में दस लोग हैं और अगर वो दस दस रुपए मिलाते हैं तो सौ रुपए इकट्ठे होते हैं आपके पास राइट तो वो सौ रुपए सब में शेयर होंगे मतलब वो सौ रुपए का जो भी खाना आएगा वो सब में शेयर होगा लेकिन यहाँ क्या हो रहा है यहाँ कोई ट्रीट दे रहा है पार्टी दे रहा है अपनी तरफ से ठीक है तो यानी जो ए है वो पार्टी दे रहा है यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बट शेयरिंग सब में हो रही है यानी बर्थडे वाले इंसान को भी मिलेगा खाने को और बी वाला जो आपका उसका दोस्त है उसको भी खाने को मिलेगा तो ये होती है आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जिसमें आपका होता है एक डोनर और एक एक्सेप्टर तो ये जो एरो है वो डाटिव

ठीक है जो पार्टी लेता है डोनर यानी जो आपकी पार्टी दे रहा है ठीक है तो समझ आ गया होगा डोनर वो जो पार्टी दे रहा है एक्सेप्टर वो जो पार्टी ले रहा है और लेकिन एक्सेप्टर का ये है कि वो पार्टी ले तो रहा है लेकिन शेयरिंग में ले रहा है ठीक है तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्ट्रीब्यूशन एक का लेकिन बटेगा सब में ठीक है तो ये था आपका कोऑर्डिनेट और डाटे बॉन्डिंग हम कह सकते हैं एग्जाम्पल सबसे पहला मैं आपके सामने लूंगी वो है एन एच फोर पॉजिटिव NH4 फोर पॉजिटिव एन एच फोर पॉजिटिव आपका डाटिव बॉन्डिंग दिखाता है जिसमें अब मैं अगर एन की बात करूं तो एन के पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम सबको पता है सात होता है और अगर मैं इसका के एल एम फिल करूं आपके सामने तो दो और पांच यही होगा पिछले लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है जिसको नहीं आ रहा समझ यहां तो वो पहला लेक्चर जाके देखे अब यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट यानी सबसे आखिरी शेल में पांच इलेक्ट्रॉन हैं और इसको तीन और चाहिए कि अपना बॉन्डिंग अच्छे तरीके से हो जाए तो ये क्या करेगा तीन तो आपके हाइड्रोजन के साथ बना लेगा ये बॉन्ड ठीक है यानी शेयरिंग में पांच इलेक्ट्रॉन्स तो उसने लगाना ही लगाने हैं तो तीन तो उसने लगा दिए दो बच्चे हैं तो दो वो क्या करेगा डार्टिव बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ हाइड्रोजन के साथ, साथ। यानी यहाँ दो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है वो इस हाइड्रोजन के साथ हो रही है लेकिन किस फॉर्म में हो रही है डार्टिव बॉन्डिंग में यानी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन सारी पार्टी नाइट्रोजन दे रहा है क्योंकि उसके बाद तीन तो उसने शेयर कर लिए दो बच्चे हैं तो दोनों के दोनों उसको बॉन्डिंग में देने होंगे जो कि वो कोवेलेंट में तो नहीं दे सकता लेकिन हाँ डाटिव में दे सकता है तो दोनों के दोनों उसने पार्टी के तौर पे दे दिए और हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया तो एनएच पॉजिटिव क्या होता है आपका अमोनियम आयन होता है जो कि डाटिव बॉन्डिंग आपको दिखाता है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अमोनियम आयन ऐसे ही और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रही हूं जैसे कि ओजोन ओजोन भी यहां पे एक के आपका ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओ थ्री ठीक है यानी तीन ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन तीन ओ एटम जो है वो तीनों होते हैं और दो उनमें से कोवलेंट बॉन्डिंग में होते हैं जो आपके नॉर्मल डंडे वाली बॉन्डिंग होती है वो होते हैं और एक आपका ऑक्सीजन के साथ होती है कोवल सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग यानी डाटिव बॉन्डिंग ठीक है जहां पे आपके दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देता है लेकिन दूसरे को शेयर करवाता है ऐसे ही अगर मैं अगले एग्जाम्पल के सामने आपकी बात करूं तो एनएच थ्री का मॉलिक्यूल ये बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है आपकी इलेवेंथ की एनसीआर में ठीक है तो इलेवंथ की एनसीआर अगर आप कभी पढ़ो तो उसमें आपको ये दिखेगा जिसमें ये डाटिव बॉन्डिंग यानी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग दिखाता है एनएच का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से बनेगा और ये बी एफ थ्री के साथ किस में होगा डाटिव बॉन्डिंग में यानी यहां पे आपका जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जनरली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्षमता ज्यादा होती है वही आपकी पार्टी देता है बाकी नहीं देते तो एन और बी में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यही इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन देगा लेकिन शेयर किसके साथ करेगा बोरॉन के साथ करेगा ठीक है तो ये थी आपकी डॉटिव बॉन्डिंग के बारे में कुछ बातें आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपको इतना ही जानना है इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लेना इतना ही करना है आपने कि ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रीब्यूशन एक का पार्टी एक ही देगा लेकिन बटेगा सब में ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ठीक है तो आज मैं आपको बोल रही थी कि मैंने आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट पढ़ा दिए हैं लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आज पढ़ाना चाह रही हूँ ठीक है तो हम बढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ आयनिक बॉन्ड आपका क्या होता है आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का मान लो दो एटम्स है आपके पास एक के पास आ, जैसे अगर आपका मैं सोडियम और क्लोरीन ले लू ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल है मैं उसी एग्जाम्पल के तौर पे आपका यहाँ पे आयनिक बॉन्ड समझाने वाली हूं अब मान लो सोडियम के पास जो अटोमिक नंबर है वो है ग्यारह ठीक है ये पता होना चाहिए क्लोरिन के पास अटोमिक नंबर है सत्रह ठीक है और अगर मैं इनका केएलएम देखूं दोनों का के एल एम देखू तो वो देखते हैं हम लोग के एल एम क्या आता है इसमें के एल एम भरूंगी तो टू एट वन आएगा इसमें के एल एम भरूंगी तो टू एट सेवन आएगा ठीक है तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि आपके आउटर मोस्ट शेल में एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक के पास सात इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जो सोडियम है वो एक लूज कर दे उसमें उसी को फायदा है क्योंकि एक लूज कर देगा तो यहाँ पे आपको उसको किसकी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी वो स्टेबल हो जाएगा और क्लोरीन के पास सात इलेक्ट्रॉन है तो सात के साथ लूज नहीं कर सकता पर एक अगर उसे मिल जाता तो वो टू एट एट नोबल गैस कंफिग्रेशन में आ जाता तो यहां हमने क्या किया कि सोडियम के पास जो शेल में इलेक्ट्रॉन थे वो एक था वो एक था और यहां पे क्लोरीन के पास कितने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात ठीक है तो यहां पे क्या हुआ सात इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास है और क्लोरीन को एक की जरूरत है और सोडियम ने उसको दे दिया तो यानी कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल से सबसे बाहरी शेल से आपका क्या हुआ है कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है यानी एक का पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया क्योंकि क्लोरीन को जरूरत थी और सोडियम ने दिया इसलिए क्योंकि वो आप अपना स्टेबल होना चाहता है और एक लूज करके उसको फायदा ही है तो ये आपका क्या बन जाएगा आइनिक बॉन्डिंग और इस प्रकार से मेरा यहां पे सोडियम और क्लोरीन की बात करूं तो यहाँ पे जो डोनेट करता है जो दे देता है यानी लूज कर लेता है ठीक है जो दे देता है यानी लूज कर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो गेन यानी जो ले लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ मैथ से बिल्कुल उल्टी चीज है यहाँ जो खो रहा है वो पॉजिटिव है जो पा रहा है वो नेगेटिव है तो एन में पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज और इस प्रकार मुझे ये साबित हो गया कि सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि उसने खो दिया एक इलेक्ट्रॉन और वो क्या है कैटायन है अब सोडियम क्या बन चुका है कटायन बन चुका है ऐसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया है यानी गेन कर लिया है तो यहां पे क्या हो जाएगा ये अनायन तो मेरे को इतना तो समझ आ गया कि कैटायन कब बनता है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो क्या हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खो दिया गया हो और अनायन कब बनता है जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो यानी इलेक्ट्रॉन पा लिया हो ठीक है तो आई होप आप लोगों को आयनिक बॉन्ड अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड पे ठीक है तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है आयनिक कंपाउंड की वो भी बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट पे आते हैं फिजिकल स्टेट यानी आपकी आयनिक कंपाउंड सॉलिड लिक्विड गैस में से किस में एग्जिस्ट करता है तो आपको बता दूं आयनिक बॉन्ड हमेशा सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है लिक्विड और गैश स्टेट में नहीं होता वो अलग बात है कि आयनिक जो आय हैं, वो पानी में जाने के बाद ही आते हैं लेकिन आयनिक कंपाउंड आपके हमेशा सॉलिड ही होते हैं ठीक है तो ये हो गई फिजिकल स्टेट की बात अब आते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट यानी एमपी बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी इनका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनके जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना उनका अट्रैक्शन उनकी चाहत बहुत अच्छी होती है मतलब उनका जो अट्रैक्शन पावर है वो बहुत ज्यादा है तो वो मेल्ट होने में भी टाइम लगाता है यानी पिघलने में भी टाइम लगाता है और बॉयल होने में भी यानी उबलने में भी टाइम लगाता है क्योंकि जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उतना तोड़ना आसान नहीं होगा तो तोड़ने के लिए या तो ठंडा या गर्म करना ही पड़ेगा लेकिन ज्यादा देर तक करना पड़ेगा क्योंकि उनकी अट्रैक्शन बहुत अच्छी खासी है मतलब छूटने से ना छूटे ऐसी वाली अट्रैक्शन है ठीक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां बहुत ज्यादा है इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है अगली बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आपको मैं समझाना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब मतलब ये कि अगर मैं इसको पानी के अंदर इस कंपाउंड यानी एन को डाल दू मैं पानी के अंदर तो आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में डिवाइड हो जाएगा तो जहां चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जहां चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो यहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इनमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं हमने देखा ना कटायन और अनायन यानी चार्जेस प्रेजेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आते हैं सोल्यूबिलिटी पे सोल्यूबिलिटी में बात ऐसी है कि ये वॉटर में घुल जाते हैं सॉल्युबिलिटी यानी घुलना और ये वॉटर सोल्यूबल होते हैं वॉटर में घुल जाते हैं वॉटर में घुल जाते हैं और बहुत अच्छे से घुलते हैं ठीक है ठीके? लेकिन और कोई अगर मैं नॉन पोलर अब वॉटर तो आपका पोलर है ठीक है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपका पोलर सोलिबिलिटी में अगर नॉन पोलर की बात करूं जैसे कि बेंजीन ले लूं तो ये वहां सॉलिबल नहीं होते वहां ये क्या हो जाते हैं इनसॉलिबल हो जाते हैं ठीक है तो यानी ये जो आपके आयनिक कंपाउंड है ये वाटर में घुल जाते हैं बट आपके बेंजीन जैसे कंपाउंड में नहीं घुलते ठीक है तो आई होप आपको सॉल्युबिलिटी भी क्लियर हुआ होगा घुलना घुलना यानी वाटर में अगर घुल जाते हैं तो अच्छे सॉल्युबिलिटी है और अगर आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करूं तो उसमें ये क्या होते हैं इनसॉलिबल यानी घुलते नहीं है ठीक है नेक्स्ट आते हैं आइसोमोरफिज्म में आइसोमारफिजम मेरे से कोई कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था कि डिफरेंस बिटवीन एंड आइसोमेरिज्म सो so हियर इट इज ठीक है तो मैं अभी आपको आइसोमोरफिज्म बता रही हूं अगला जो अभी ये पार्ट आएगा कोल एंड बॉन्ड वाला उसमें आइसोमेरिज्म भी बताऊंगी ठीक है तो वेट करो और आइसोमोर्फिज्म कोई ऐसा टफ टॉपिक नहीं है आइसोमोरफिज्म क्या कहता है कि आपका जब भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अब आपके ये सामने जो मैंने रखे हैं सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड या आपका पोटेशियम सल्फाइड ठीक है ये चार कंपाउंड है आपके सामने इनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा क्रिस्टल होगा इनका ठीक है तो जिन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है वो आपके आइसोमोरफिज्म कहलाते हैं मतलब ये कि आपका यहां पे मैंने अगर दो दो नाम लिखे हैं एनएफ और एमजीओ इन दोनों का क्रिस्टल एक जैसा है मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है तो इसलिए ये एक दूसरे के क्या है आइसोमोर्फ्स हैं क्या है आइसोमोर्फ्स हैं और आइसोमोरफिज्म दिखाते हैं क्या है आइसोमोर्फ्स हैं ठीक है ऐसे ही सी एसीएल टू और के टू एस भी एक दूसरे के क्या है आइसोमोर्फ है क्योंकि इन दोनों का इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सिमिलर होता है ठीक है अब आगे बात करते हैं एक चीज और और ऐसा भी होता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब केएल वाला जो स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो भी सेम होगा अगर आपके ये आइसोमोर्फिज दिखाएंगे तो कैसे जैसे कि अगर मैं आपके सामने सोडियम और फ्लोराइड ले लू ठीक है तो ये मैं सोडियम का बना रही हूं और ये मैं फ्लोराइड का बना रही हूँ ठीक है तो यहाँ पे सोडियम का टू एट वन हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर है और फ्लोरीन का क्या हो जाएगा टू एट सेवन हो जाएगा क्योंकि सत्रह अटोमिक नंबर होता है ठीक है सॉरी नौ होता है सॉरी 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 नाइन होता है और यहाँ हो जाएगा आपका टू एट सेवन टू सेवन ठीक है तो यहाँ पे आपका टू सेवन हो जाएगा ऐसे ही अगर मैं मैग्नीजियम और ऑक्सीजन की बात करूं अब इनके केल को मैं भरती हूं तो मैग्नीजियम यानी बारह अटोमिक नंबर तो टू एट टू एंड ऐसे ही ऑक्सीजन का अगर मैं भरती हूं तो ये है आपका सोलह यानी टू एट सिक्स ठीक है तो अब यहां पे बात ऐसी है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में आइसोमोरफिजम कैसे दिख रहा है तो बात ऐसी है कि इसने अगर इसको दे दिए इलेक्ट्रॉन्स तो ये टू एट एट हो जाएगा ऐसे ही अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन से दे दिया तो ये टू एट हो जाएगा तो आ रहा है ना जब आफ्टर आप जब आपका कहते हैं कंबाइन हो जा रही एक दूसरे के साथ जब ये बॉन्डिंग बना ले रहे हैं तब ये टू एट एट वाली कॉन्फ़िगरेशन ला रहे हैं तो वो कंफिड्रेशन आने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी ये जो है ये बिल्कुल सिमिलर बैठते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी सेम हो उनको हम आइसोमोर्फ कहते हैं तो ये है आपका आइसोमोर्फिजम आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपका ये है कि जब आपका स्ट्रक्चर दोनों का सेम हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो कि केएलएम वाला स्ट्रक्चर है उसको हम आइसोमोरफिज्म कहते हैं तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं हम अब आते हैं लॉय स्पॉट्स पे ठीक है तो ये आपका लॉय स्पॉट्स क्या है ये मैं आपको आ, समझाती हूं जैसे कि अगर आपका कोई क्रिस्टल है अगर मैंने आपके सामने कोई क्रिस्टल लिया है और उस क्रिस्टल को अगर मैं आपका एक्सरे पास कराऊ उसमें से एक्सरे क्या होता है जैसे आप देखते हो ना कि आपके डॉक्टर्स आपको अगर फ्रैक्चर हो जाता है या किसी भगवान गरे ना हो लेकिन अगर आप आ, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे जो है वो आपके यहाँ क्या कहते हैं ब्लैक कलर की फिल्म होती है ठीक है और वो एक्सरे आता कैसे कोई रे पास कराते होंगे तभी तो उनको वो फिल्म में वो चीज पूरी दिख जाती है ठीक है तो वही होती है आपकी एक्सरे ठीक है तो एक्सरे जो है वो आपके क्रिस्टल से पास कराई जाती है कोई भी क्रिस्टल होता है उससे पास कराई जाती है जैसे कि यहाँ पास कराई जा रही है देखो ठीक है और ये जिंक सल्फाइड की फिल्म है तो ये आपको पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट पे फोटोग्राफिक प्लेट पे एक प्लेट होती है फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको क्या दे रही है ये इस तरह का स्पॉट देती है और ये पता किसकी तरह लग रहे हैं वही केएलम वाले ऑर्बिट की तरह लगते हैं ठीक है तो जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था KLM वाला ऑर्बिट उसी की तरह रिप्रेजेंट करता है कि आपके क्रिस्टल किस तरह से एक जगह पे बैठे हुए हैं इस क्रिस्टल का एक आपका एटम इधर बैठा है एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है तो वो आपके लॉय स्पॉट्स के थ्रू हमें दिखते हैं जिसमें पता चलता है कि आपका किस तरह से इलेक्ट्रॉन या आपके किस तरह से जो आपका एटम है वो पूरे क्रिस्टल में कहां कहां प्लेस है कौन कॉर्नर पे है कौन बीच में है कौन साइड में है तो वो इसके थ्रू हमें पता चल जाता है लॉय स्पॉट्स के थ्रू मैं फिर से रिपीट करती हूं, एक क्रिस्टल जो है आपका फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन का क्रिस्टल ले लेती हूँ आपके सामने ठीक है और इससे एक्सरे पास कराती हूँ तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होगी उसमें मुझे पता चलेगा कि जो सोडियम है वो छ सी क्लोरीन यानी छ क्लोरीन से सराउंडेड है ठीक है तो ये चीजों का पता हमें चल जाता है लॉय स्पॉट्स के थ्रू ठीक है ऐसे ही अगर मैं के थ्री की बात करूं पोटेशियम नाइट्रेट की बात करूं तो इसमें कैसे पता चलता है कि आपका नाइट्रेट जो है वो तीन ऑक्सीजन से सराउंडेड है तो ये लॉय स्पॉट्स बहुत आ, आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि यह बताता है कि कौन सा एटम कॉर्नर पे है कौन सा साइड में है कौन सा बीच में है तो इससे यह चीज पता चल जाती है यह है आपका लॉय स्पॉट्स ठीक है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अब आते हैं हम आयनिक रिएक्शन पे सॉरी आयनिक रिएक्शन पे देखो आपके जो आयनिक कंपाउंड है साथ सीधी बात है आयनिक रिएक्शन तो दिखाएंगे ही आयनिक रिएक्शन क्या जब पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट हो उसको हम आयनिक रिएक्शन कहते हैं आयनिक रिएक्शन तभी होते हैं जब पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है ठीक है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की तो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है हमें पता है क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है ये हमें पता है ऐसे ही एजी की बात करूं तो इस पे भी प्लस चार्ज होता है नाइट्रेट की बात करूं तो इस पे माइनस चार्ज होता है तो यहाँ क्या होता है ये दोनों क्रिस्टल एक साथ सोल्यूशन में डाले गए ठीक है तो क्या हुआ फॉर्मेशन हुआ एन थ्री और एजीसीएल का एजीसीएल का कैसे एन एनओ थ्री यानी एन जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो गया नाइट्रेट के तो इसने एन ए थ्री बना दिया और ऐसे ही एजी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोरीन से अट्रैक्ट हुआ तो ए बना दिया तो इस तरह से आयनिक रिएक्शन बनती है जब पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्टेड है और बॉन्ड बनाना चाह रहा है ठीक है तो ये थी हमारी आयनिक बॉन्ड की बात जो हमने बहुत अच्छे से समझी सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी समझे हा, हालांकि आपके पास क्वेश्चन ये ये नहीं आएगा bond, ये आएगा डिस्क्राइब द जनरल ऑफ आयनिक आयनिक बॉन्ड कि डिफरेंस बिटवीन और कोवलेंट बॉन्ड के करेक्टरिस्टिक्स में ठीक है तो मैं अगला जो आपको बता रही हूँ वो कोवलेंट बॉन्ड ही बताऊंगी तो उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर लेना की कौन कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा ठीक है वो मैं बता भी दूंगी आपको अभी आगे ठीक है तो आते हैं अब हम लैंगमेर कंसेप्ट इतना फेमस कंसेप्ट है ना क्योंकि शुरुआत केमिकल बॉन्डिंग की यहीं से हुई थी कि आपका जो कार्बन है वो बॉन्डिंग किस तरह से करता है या कोई और कंपाउंड है वो बॉन्डिंग किस तरह से करता है शेयरिंग कैसे होती है हमने लेना तो सीख लिया ठीक है लेना सीख लिया कंप्लीट ट्रांसफर सीख लिया पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा जो लूज कर देगा नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा जो गेन कर लेगा लेकिन हमने शेयरिंग करना नहीं सीखा तो शेयरिंग करना आपको कौन सिखाता है कोवेलेंट बॉन्ड सिखाता है कोवेलेंट बॉन्ड सिखाता है तो अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे थोड़ा डिटेल में ठीक है तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग अगर तू एक दे रहा है तो मैं भी अपनी तरफ से एक देता हूं आजा शेयर करते हैं और साथ में रहते हैं तो यानी यहाँ पे शेयरिंग का बहुत बड़ा रोल है ठीक है तो ये तो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है लेकिन मैं तो हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो एग्जाम्पल ये रहे आपके ठीक है तो अब आते हैं हम क्लोरीन पे क्लोरीन के यहाँ पे सी यानी दो क्लोरीन के आइटम है एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये राइट right. तो यहां पे अब बात करते हैं कि क्लोरीन का 287 होता है यानी आउटर मोस्ट शेल में आपके सात इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैं सात इलेक्ट्रॉन इनको शो कर देती हूं ठीक है रुको जरा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे ही इसके एक दो तीन चार पाँच छह सात मैंने इधर क्रॉस इधर डॉट लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता मैं बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों को अलग अलग लिख रही हूं एक को क्रॉस से एक को डॉट से ठीक है तो क्लोरीन के दो एटम्स हैं और बात ऐसी है यहां शेयरिंग होगी ठीक है यहां कोई एक लेके एक गेन करके नहीं बैठेगा यहां दोनों ही एक दूसरे शेयर करेंगे क्योंकि दोनों के पास साथ, -साथ हैं इलेक्ट्रॉन आउटोमोशन में और दोनों को एक एक की जरूरत है तो अगर ये एक इसको दे देता है और इसका एक इसको दे देता है तो हो गई ना इक्वल शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन उसने बोला दे देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन उसने बोला दोनों ने शेयर करके क्या बना लिया आपका क्लोरीन एटम बना लिए सीएल टू बना दिया क्योंकि दोनों को एक एक की आवश्यकता थी तो दोनों ने अपने एक एक शेयर कर लिए शेयर करके दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे ठीक है तो हर चीज को कहानी से सोचा करो रियल वर्ल्ड में सोचा करो बहुत इजी है केमिस्ट्री अगर रियल वर्ल्ड से कंपैरिजन कर जाओ तो ठीक है नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन भी कुछ ऐसा ही है अगर मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करूं तो अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसके पास सोलह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोलह आउटर मोशन में छह होते हैं तो दिखाओ छह भाई यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छ इसको दिखाओ एक दो तीन चार पांच है, तो अब बात ऐसी है कि छह छह हैं और दोनों को आठ आठ बनाने ठीक है क्योंकि दो दो गेन करने होंगे अब दोनों को दो दो चाहिए तो क्या करेंगे लूज गेन थोड़ी करेंगे शेयर करेंगे ले भाई तू दो मेरा ले और तू मेरे को दो अपना दे ठीक है तो शेयरिंग करने से क्या हुआ दोनों को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई और दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे अब बात ऐसी आती है कि यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी तो यहां और यहां में फर्क क्या है यहां एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई यहां दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो भैया बॉन्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करोगे यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो एक एक बॉन्ड बना दोगे और यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहां पे आप ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे जब भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो एक इस साइड से एक इस साइड से तब सिंगल बॉन्ड जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हो जब दो इस साइड से और दो इस साइड से तब डबल बॉन्ड और कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रिपल बॉन्ड भी आता है तो वो हम सीखते हैं ठीक है तो आपके सामने एन है एन के दो एन आपके एटम्स मैंने साथ में रख दिए इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सात ठीक है तो अगर मैं इनका केएल फिल करूं तो ये हो जाएगा दो पांच यानी पांच पांच दोनों के पास होते हैं तो अगर देखू मैं एक दो तीन चार पांच मेरे तीन यहां लगाने का मतलब अभी आप समझोगे एक दो तीन चार पांच ठीक है तो होता क्या है दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल में पांच पांच इलेक्ट्रॉन है दोनों को तीन तीन की जरूरत है जिससे आठ बन जाए ठीक है ऑक्टेट पूरा हो जाए तो क्या करेंगे शेयरिंग करेंगे तीन इसने दे दिया भैया तीन इसने दे दिए तो शेयरिंग से क्या हुआ दोनों ने अपने तीन तीन शेयर कर लिए और दोनों के पास आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए कैसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अगर मैं इसकी बात करूं इसकी बात करूं तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो आठ आठ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गए लेकिन फिर फर्क वही कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो जी यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो यहां पे तीन बॉन्ड आएंगे दैट इज ट्रिपल बॉन्ड आएगा आई होप आपको क्लियर हुआ होगा तो सिंगल बॉन्ड का जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से आए डबल बॉन्ड कब जब दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से आए ट्रिपल बॉन्ड कब जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से आए तो ये था आपका बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है शेयरिंग से बनता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक गेन करता है एक लूज करता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब कुछ और मॉलिक्यूल्स के भी तो स्ट्रक्चर बना ले अब बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल की ठीक है तो टू मॉलिक्यूल आपका कुछ इस तरह का दिखता है ठीक है तो यहां क्या हो रहा है ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं में, तो अगर मैं दिखाऊं एक दो तीन चार पांच छ और हाइड्रोजन के पास एक होता है शेल में इलेक्ट्रॉन तो एक एक दिखाऊंगी अब हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए KLM में तो वो एक इससे ले लेगा और ऐसे ही इस हाइड्रोजन को भी चाहिए तो वो ले लेगा लेकिन यहाँ तो गेन और लूज का कोई है ही नहीं मतलब यहां पे ऑक्सीजन एक दो तीन चार पांच छ छ है उसको दो और चाहिए तो एक आपका इस हाइड्रोजन से लेगा और दूसरा इस हाइड्रोजन से लेके बॉन्ड बना लेगा और आपका जो वाटर है मॉलिक्यूल वो कुछ इस तरह का दिखता है अभी मैं ये डॉट डॉट क्यों दिखा रही हूं मैं आपको समझाऊंगी अभी ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सी एच फोर पे CH4 में कार्बन के पास आपके चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल में तो एक दो तीन चार हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है मोस्ट शेल में तो मैं इनके ये चारों हाइड्रोजन साइड में लिख दूंगी अब हाइड्रोजन को दो एक की नीड है दो बनाने के लिए <coughs> तो ये इससे ले लेगा ये वाला हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये वाला हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ने तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया और स्टेबल हो गया आते हैं कार्बन पे कार्बन क्या करेगा कार्बन में एक दो तीन चार चार और चाहिए तो वो क्या इन हाइड्रोजन से ले सकता है बिल्कुल ले सकता है और आपका बॉन्डिंग बन जाएगा तो मैं क्या देख रही हूं यहाँ पे सारे एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर हुए हैं हर एक के बीच हर सी में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो सी एच फोर आपका यहां पे बन के रेडी हो गया आगे बढ़ते हैं अब सी टू एच फोर पे सी टू एच फोर में सी डबल बॉन्ड सी एच एच इधर भी एच और इधर भी एच कुछ इस तरह से आपका सी टू एच फोर का मॉलिक्यूल बनता है तो मैं आपको बता दूं ये किस तरह से बनेगा आपके कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी इन्हें ठीक है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन भी लिख लेते हैं तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ लिख लिए हैं यहाँ पे ये दोनों दो दो शेयरिंग हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन को दो चाहिए उसके पास एक होता है तो वो कार्बन से उधार ले, ले लेगा ठीक है तो यहाँ तो हाइड्रोजन की पूर्ति तो हमने कर दी वट अबाउट कार्बन कार्बन का क्या होगा कार्बन कार्बन को तो आठ चाहिए और अब इस कार्बन की बात करूं तो एक दो तीन चार तो हो रहे हैं पांच छह भी हो रहे हैं सात आठ कहां से आएंगे सात आठ दो ये यहां से शेयर कर लेगा तो यहां से हो गया ऐसे ही इस कार्बन पे एक दो तीन चार पांच छह हैं सात आठ कहां से आएगा यहां से आएगा तो इस प्रकार यहां दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से डबल बॉन्ड है और यहां सिंगल सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग की सॉरी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये है आपका C2H4 का मॉलिक्यूल ठीक है तो अब मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे जो आपका जैसे फिलहाल यहाँ पे अगर मैं एच की बात करूं तो मैंने दो लोन पेयर दिखाए हैं ये पेयर क्या होता है जब भी लोन पेयर आपके दिखते हैं आपको डॉट डॉट एक्स्ट्रा दिख रहे होते हैं और बॉन्डिंग में नहीं दिख रहे होते हैं तो वो होते हैं आपके लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो अकेले रह जाते हैं आप इनको इस तरह से याद कर लेते हो अलोन अलोन पेयर पेयर लोन इज पेयर ठीक है तो ये अकेले होते हैं बॉन्डिंग में साथ नहीं आते हैं इसलिए अलग से लोन पेयर की तरह दिखते हैं लोन पेयर में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इनको पेयर बोला जाता है लोन यानी अकेले हैं बॉन्डिंग नहीं बना रहे एंड पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो होता है आपका लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता ठीक है तो ये होता है आपका लोन पेयर अब आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक और कोवेलेंट कंपाउंड पे कि क्या होती है फिजिकल स्टेट की बात करूं तो कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में दिखते हैं जबकि आयनिक आपका सिर्फ सॉलिड में था क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करूं इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूं तो, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जनरली आपके क्या होते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं जैसे अभी अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड बनाता है ठीक है तो मॉलिक्यूल यहाँ कैसे बनता है अगर सिमिलर आइटम है तो सीएल टू में ही एग्जिस्ट करेगा कभी भी आपका ये एक सीएल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है ठीक है

Uh, मेल्ट करना पड़ता है ठीक है लेकिन वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज की बात करूं तो ये ऐसे फोर्सेज हैं जो वीक फोर्स होते हैं और इतने अच्छी खास अट्रैक्शन में नहीं होते ये लोग तो इनको तोड़ना काफी आसान है मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट, कम बॉइलिंग पॉइंट में भी आपका काम हो जाएगा ठीक है तो ये था आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका आगे बढ़ते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है ये हमें समझ आ गया अब हम बढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी पे ठीक है तो ये जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते ये इनसॉल्युबल होते हैं घुलते नहीं है वाटर में लेकिन अगर नॉन पोलर सोलवेंट्स सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यानी आपकी बेंजीन की बात करूं टॉलिन की बात करूं तो उसमें ये सॉल्युबल हो जाते हैं ठीक है जबकि आपका आयनिक में क्या था वो वाटर में सोल्यूबल थे बेंजीन में इनसोल्यूबल थे ठीक है तो ये फर्क हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात तो ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है ये कंडक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट एक्सेप्ट ग्रेफाइट ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है एक्सेप्ट ग्रेफाइट बाकी सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते सिर्फ ग्रेफाइट है जो कोवलेंट कंपाउंड्स में आता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नेक्स्ट आते हैं आइसोमेरिज्म पे आइसोमेरिज्म यानी आपका जब भी आपका जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते, है होते, है होते हैं ना ये डायरेक्शनल होते हैं नेचर में डायरेक्शनल होते हैं ठीक है और इनको हम काफी सारे स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रुप के रिप, रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल फंक्शनल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के तौर पे हम इनको क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं मतलब इनके काफी सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें कोवेलेंट कंपाउंड में जबकि आपका जो बेसिकली आयनिक थे वो आइसोमोरफिज्म दिखा रहे थे क्योंकि वो लोग क्या करते हैं जनरली उनके जो स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होते हैं तो वो आइसोमोरफिज्म होता है लेकिन यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड में दिस इज आइसोमेरिज्म ये डायरेक्शनल होते हैं नेचर में और काफी सारे इनके स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं और स्ट्रक्चर बनाने के लिए आइसोमेरिज्म में कुछ फॉर्मूले भी लगते हैं कुछ डेफिनेशन भी लगती हैं और आइसोमेरिज्म का केमिस्ट्री में एक अलग से पार्ट है लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है कि आयनिक कंपाउंड्स आइसोमोर्फिजम दिखाते हैं यानी सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके कौवल कंपाउंड आइसोमेरिज्म दिखाते हैं क्योंकि डायरेक्शनल होते हैं नेचर में तो इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल ग्रुप के मुताबिक या स्टीरो आइसोमर्स के थ्रू इनको काफी चीजों से एक्सप्रेस किया जाता है काफी स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस किया जा सकता है तो दिस इज आइसोमेरिज्म ठीक है तो आज हम लोगों ने ये केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर खत्म कर दिया आपके लेवल तक ठीक है आपके लेवल की बात कर रही हूं मैं जो आपके पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं उनके लेवल की बात कर रही हूं, तो आपका केमिकल बॉन्डिंग रसायन विज्ञान कोचिंग चैनल पर जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं वहां पे मैं आपके केमिस्ट्री के लेक्चर्स बनाती हूं और दैट इज फॉर डिटेल्ड लेक्चर्स जो जैसे आपका यहां केमिकल बॉन्डिंग बहुत कम अमाउंट में था अगर आपको उसको डिटेल पढ़ना है तो आप वहां भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो और साथ -साथ शेयर, सब्सक्राइब का बटन भी आज हमने काफी कुछ सीख लिया कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है और आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है जनरली डिफरेंशिएट बिटवीन कोवेलेंट और आयनिक बॉन्डिंग आता है तो आपने डिफरेंशिएट कर लेना है मैंने आपको बता दिए कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है बस आपको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है ठीक है और हमने साथ साथ काफी सारे एग्जाम्पल कर लिए कोवलेंट बॉन्डिंग के और आइनिक बॉन्डिंग के आई होप अब आपको क्लियर हो चुकी होगी केमिकल बॉन्डिंग और आप अच्छे नंबर से इसको क्रॉस करोगे और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं थैंक यू सो मच टेक्यून थैंक यू